हाय फ्रेंड्स, अमित आहूजा विद अ न्यू वीडियो। और आज का जो वीडियो है ये एक फॉल्ट कोड ऑन ऑफ माय फ्रेंड्स एंड फ्रेंड। तो ये फॉल्ट कोड मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये क्या है। ये फॉल्ट कोड इज ही हैड सेंट मी, इन्होंने मेरे को भेजा था P003 फ्यूल वॉल्यूम रेगुलेटर कंट्रोल सर्किट लो। ओके, तो ये इसके ऊपर मैंने कहा बात ये है, डीजल्स के ऊपर हम लोगों की बहुत सारी वीडियोस बनी हुई हैं। डीजल हाई प्रेशर पंप्स, डीजल इंजेक्टर, डीजल के रिटर्न के कैसे चेक करना है एंड एवरीथिंग एंड एवरीथिंग एंड एवरीबडी। ज़्यादातर लोगों को इस चीज़ के बारे में अच्छी तरह नॉलेज भी है और इल्म भी है। जो एक चीज़ हम लोग बिल्कुल मिस आउट करते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि आज आपको वो चीज़ समझाऊँ, वो ये है जनाब कि हम लोग जो लो साइड जो इन टैंक पंप है, लिफ्ट पंप जिसे हम बोलते हैं, या फिर दूसरे तरीके से वो आ रहा है, यू नो गेयर पंप है, हाई प्रेशर पंप में ही गेयर लगे हुए हैं, वो खींच रहा है। तो जो हमारा लो साइड का प्रेशर है अगर वो कम होगा तो हमारा हाई साइड का जो प्रेशर है वो भी कम होगा। इन द सेंस लो साइड में अब आपको दो चीजें देखनी है। लो साइड के प्रेशर की हम बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं लो साइड में वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है और प्रेशर क्या है, ये चीज आप अपने बिल्कुल जहन में समझ लें। मैं आपको एक छोटा सा डेमोंस्ट्रेशन देता हूं कि वॉल्यूम क्या है और प्रेशर क्या है, और ये दोनों अगर कोएग्जिस्ट ढंग से नहीं करेंगे तो आपकी गाड़ी जो है नो स्टार्ट कंडीशंस में आ जाएगी या बहुत पुअर परफॉर्मेंस में आ जाएगी। सो लेट अस अंडरस्टैंड वॉल्यूम क्या है। आप आओ, जब मैं बोलूंगा ना तो आप ऑन करना। अब ये देखो, ऑन करो, ऑन फुल, पानी नल कर देना, ऑन फुल कर दो। ये है आपका, ये पाइप में वाटर है, क्योंकि मेरे को और कोई एग्जांपल अभी दिखा नहीं है, तो आई डोंट नो यार। पूरा ऑन कर दो। ओके, नाउ ये है वॉल्यूम। प्रेशर क्या है, अगर मैं इसको दबा देता हूँ तो ये देखो, ये है प्रेशर। ओके, राइट। सो ये इस प्रेशर को बरकरार होने के लिए ये वॉल्यूम का होना अनिवार्य है, जरूरी है। अपन ये एक एक दाता उसका नल का कम कर दो। कर दिया है। अब ये देखो, हार्डली मेरे प्रेशर में कोई फर्क पड़ा है। एक दाता और कम करो, अब जाके कहीं फर्क पड़ा है। अब एक दाता खोलो, यो भैया, और अब पूरा खोलो, यो भैया, बंद कर दो नल को। सो फ्रेंड, बात ये है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि जब हम लोग यू नो फ्यू जब फॉल्ट कोड जाते हैं तो हम लोग स्ट्रेट अवे प्रेशर हाई प्रेशर पंप, हाई प्रेशर पंप DRV। अब आप एक सिंपल सा लॉजिक समझो, ये CR गाड़ी है, कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन। इसमें एक फ्यूल रेल प्रेशर सेंसर है 3 वायर का, एक इधर DRV है जिसको हम बोलते हैं PCV प्रेशर कंट्रोल वॉल्व। इसको ध्यान रख लेना, PCV प्रेशर कंट्रोल वॉल्व, DRV डीजल रेगुलेटरी वॉल्व, व्हाटएवर। इधर जो हाई प्रेशर पंप है जिसमें से लो प्रेशर आएगा, हाई प्रेशर पंप के अंदर होता है वॉल्यूम कंट्रोल वॉल्व। ओके, जो वो मॉनिटर करता है कि जो वॉल्यूम पीछे से आ रहा है वो पूरा है कि नहीं है। सी, प्रेशर को, इस रेल प्रेशर को मेंटेन करने के लिए ECU को कोई बहुत ज्यादा मशक्कत नहीं करनी। जो DRV की रिटर्न है, जो इस तरफ से है, जो ये रिटर्न लाइन आप देख रहे हो,
उसने उस रिटर्न को रोक देना है, आपका जो रेल प्रेशर है उधर मेंटेन हो जाएगा। बट क्या वो गाड़ी को स्टार्ट करेगा? नो, एब्सोल्युटली नो, क्योंकि जो उसको लो साइड से जो फ्यूल का वॉल्यूम आना चाहिए वो प्रेशर को मेंटेन करने के लिए वो नहीं आ। ये जो फॉल्ट कोड है, दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, और ये बहुत इंटरेस्टिंग फॉल्ट कोड है। और यू नो हम लोग व्हेन वी आर, जब हम डायग्नोस करते हैं लो फ्यूल प्रेशर्स को कि फ्यूल प्रेशर लो, तो हम लोग क्या डायग्नोस कर रहे हैं? क्या हमने जो इन टैंक पंप है, अब आप ये मान के चलिए कि मेरा एक इन टैंक लिफ्ट पंप होगा, नॉर्मल से केस में लिफ्ट पंप के वो एक फिल्टर के थ्रू आएगा, ओके मे बी एक डबल फिल्टर होगा, जो भी उसका पाथ है ट्रैवल का, वो क्या मेरा जो वॉल्यूम है हाई प्रेशर पंप तक, जो हाई प्रेशर पंप तक मेरा जो ये वॉल्यूम है क्या ये पूरा है? ये कितना हम चेक करते हैं, और कितनी हम ये देख रहे हैं कि कितना हमने ये देखा कि फिल्टर तक कितना आ रहा है और फिल्टर के बाद हाई प्रेशर पंप में कितना जा रहा है, कितना आ रहा है कितना जा रहा है, और जो हमारा वॉल्यूम है दोनों में, प्रेशर नहीं माय फ्रेंड, जो वॉल्यूम है दोनों में वो वॉल्यूम क्या सेम है? वो सेम होना चाहिए, अगर वो सेम नहीं है और जो मैन्युफैक्चरर की स्पेसिफाइड लिमिट है अगर वो वॉल्यूम आपका कम है, डेफिनेटली हमारा जो हाई प्रेशर है वो भी इफेक्ट होगा। मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाया है, और मैं आपको ओवर अगर मेरे को मौका लगा तो मैं आपको ये भी दिखा दूंगा कि जो अगर मैं अपनी जो लो प्रेशर साइड की जो फ्यूल पंप की मोटर है उसको अगर मैं 1 वोल्ट कम देता हूँ या रेजिस्टेंस पैदा करता हूँ, बिलीव यू मी वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा गिर जाएगा लेकिन प्रेशर वही रहेगा। सो दिस इज एन इंटरेस्टिंग थिंग, और जब भी मेरा कहने का मकसद ये है कि जब भी आप डायग्नोसिस करो एज अ कंप्लीट सिस्टम को करो, आप पार्ट में मत चले जाओ कि भाई मैंने उठा के जी इंजेक्टर खोल दिए, क्योंकि वॉल्यूम जो है आप ये मान के चलो जितनी आपकी वॉल्यूम हाई प्रेशर पंप को जा रही है और उतनी ही वॉल्यूम अगर आपके इंजेक्टर रिटर्न में आ रही है तो माय डियर गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, भले ही आपका रेल प्रेशर उतना ही होगा। अगर जितना लेट अस से 100 200 ml व्हाटएवर इतना मिलीलीटर वो गया और उतना ही मिलीलीटर रिटर्न में आ गया थ्रू वेरियस इंजेक्टर, तो गाड़ी में कहां स्टार्ट होगी? तो बात ये है, ऑल आई एम ट्राइंग टू टेल यू, और ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, एक वीडियो में कवर होने वाला नहीं है, पर मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि अपने आप की नॉलेज को बढ़ाओ, और आपके पास स्कैन टूल्स हैं आप उनसे इनको मेजर कर सकते हो, इसको मेजर कर सकते हो। लो साइड को मेजर करने के लिए नॉर्मली पहले स्कैनर्स सक्षम नहीं थे या वो वो बता नहीं पाते थे, बट जैसे जैसे सिस्टम सोफिस्टिकेटेड होते जाएंगे आपका जो एक्चुअल प्रेशर है और आपका जो डिजायर्ड प्रेशर वो दोनों मैच होने चाहिए। ये आप अपने स्कैनर में गांठ मान लीजिए कि लो साइड हो या हाई साइड हो, लो साइड डिजायर्ड, लो साइड एक्चुअल, और लो साइड हाई साइड डिजायर्ड और हाई साइड एक्चुअल, ये दोनों अंडर ऑल कंडीशंस ये आपस में दे शुड बी 19-20 का ये पैटर्न चलना चाहिए। सो जब भी आप डायग्नोस करो नो स्टार्ट कंडीशंस में और फ्यूल रिलेटेड है तो ऑब्वियसली आपने फ्यूल रिलेटेड कुछ भी आया लो साइड फिर हाई साइड, ओके कोई भी रिस्ट्रिक्शंस है लो साइड में वो आपके हाई साइड के ऊपर पूरी तरह इफेक्ट करने वाली है। स्पेसिफाइड प्रेशर एंड एक्चुअल प्रेशर, ये प्लीज अपने ध्यान में रखना। सो आई होप दीज छोटे छोटे वीडियोज हेल्प, सो वी मीट अगेन विद अ न्यू वीडियो, दिस इज अमित आहूजा, चेयर्स, टेक केयर, बाय बाय।